हाय, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक सवाल है, हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारी बुलाहट का कैसे पता लगाए? हे फ्रेंड्स, दैट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, अ डीप क्वेश्चन। सुनिए दोस्तों, ये तो सच में बहुत ही अच्छा सवाल था और ये बहुत ही गहरा सवाल था। यस, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हाँ, हम अपने जीवन के उद्देश्य को निश्चय ही ढूंढ निकालेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द पर्पस राइट नाउ बिकॉज़ आई डोंट नो। मैं वो उद्देश्य आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आवर कॉलिंग एंड पर्पस। लेकिन हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी बुलाहट और उद्देश्यों को हम ढूंढ सकते हैं। डिड आई नो माय पर्पस व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय? जब मैं छोटा लड़का था तब क्या मैं अपने उद्देश्यों को जानता था? ऑफ कोर्स, इट वाज प्रेडिक्टेड बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज सेइंग यू विल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ योर फादर, योर ग्रैंडपेरेंट्स। अवश्य ही, सभी लोग ये कह रहे थे कि तुम अपने पिताजी और तुम अपने दादाजी के पद चिन्हों पर ही चलोगे। बट द ट्रैक दैट आई केम थ्रू वाज यूनिक टू मी। लेकिन जिस मार्ग से मैं आया हूँ वो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और अलग थी। सो देयर इज नो सेट स्ट्रक्चर to receive the purpose for our life. और इसलिए अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए कोई खास ढांचा नहीं है। There is no set timeline. यानी कोई एक निश्चित समय सीमा भी नहीं है। If you look at Jesus's life. अगर आप यीशु मसीह के जीवन को ही देख ले। Of course, he came to this world to minister to the people, to set them free. अवश्य ही वो इस संसार में आए कि लोगों की सेवा करे और लोगों को छुटकारा दे। And to die for our sins and to rise again to create a new life in us. और हमारे पापों के लिए वो मर गए और फिर से जी उठे कि हम में नया जीवन उत्पन्न करें। But लेकिन was everything in his life around this fact and leading up to this fact? क्या उनके जीवन में सारी जो बातें हैं वो इसी सच्चाई के बारे में थी या इसी सच्चाई की ओर उनकी अगुवाई करते जा रही थी? No, my friends. नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। At 10 years was he anointed and at 15 years then was he trained and tutored. 10 साल में उनका अभिषेक हुआ और फिर 15 साल में इस तरह से उन्हें सिखाया गया, उनको ट्रेंड किया गया था। In 17 years did somebody come and mentor him and tell him this is the track that you have to go in? और क्या 17 साल की उम्र में किसी ने आकर उनसे ये कहा कि यही वो मार्ग है जिसके अंदर तुम्हें जाना होगा? And was he launched into the ministry at 20 years old? और क्या वो 20 साल की उम्र में ही ऐसे सेवकाई में आ गए या वो 20 साल की उम्र में सेवा शुरू करने लगे? Did everything flow towards this one purpose? क्या वो सारी बातें बस एक ही उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती चली गई थी? No. नहीं, ऐसा नहीं हुआ। He went through the path of doing the business of carpentry with his father. वो तो अपने पिताजी के साथ में बढ़ई का काम किया करते थे, उस मार्ग से वो आगे बढ़े। And he did that to know and experience the world in which his people live. उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि जिस संसार में उनके लोग रहते थे उनका वो अनुभव कर सके। He wanted to know the toils of work. वो तो काम की मेहनत के बारे में जानना चाहते थे। And so God made him go through carpentry. तो परमेश्वर ने उन्हें बढ़ई का काम करने दिया। And interact with people and get to know about life on earth. ताकि वो लोगों से बातचीत कर सके और इस पृथ्वी पर का जो जीवन है उसे वो जान सके। And then only at 30 years Jesus entered into ministry. और फिर जब यीशु 30 साल के हुए तभी वो सेवकाई करने लग गए। It was a different path. देखिए, ये तो बिल्कुल अलग ऐसा मार्ग था। Of course, Jesus is God and so he knew this path. अवश्य ही, यीशु तो परमेश्वर थे और वो इस मार्ग को जानते थे। But as looking at his path as a man, लेकिन एक मनुष्य के रूप में जैसे उन्होंने अपने मार्ग को देखा, it was completely different to his calling, wasn't it? निश्चय ही, जो उनकी बुलाहट थी उसके अनुसार ये मार्ग तो बिल्कुल अलग था। Yes, there is no set structure or timeline. हाँ, निश्चय ही कोई निश्चित ढांचा या समय सीमा नहीं होती है। And also, we dream many things when we are young. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बहुत से सपने होते हैं। We desire things by looking at so many people who are shining. बहुत से लोग जो तेजो में हैं उनको देखकर हम अपने जीवन में कुछ इच्छाएं रखते हैं। Looking at famous people and wanting to sing like them. बड़े विख्यात लोगों को देखते हैं और उनके जैसे गीत गाना चाहते हैं। Wanting to act like them or dance like them. उनके जैसे काम करना चाहते हैं, उनके जैसे नाचना चाहते हैं। Wanting to be a biologist like them. उनके जैसे बायोलॉजिस्ट होना चाहते हैं। I don't think many people say that. मैं नहीं सोचता कि बहुत से लोग इस तरह से कहना चाहेंगे। But along the way we look at such people and want to copycat their career.
करियर्स। लेकिन मार्ग में हम बहुत से लोगों को देखते हैं और उनके करियर को हम कॉपी करना चाहते हैं, कॉपीकैट करना चाहते हैं। But do we have such skills to do it? लेकिन क्या ऐसा करने के लिए हम में ऐसी महारतें हैं? Or are we only interested in following them? या फिर बस हम उनके पीछे चलने में ही, इनको फॉलो करने में दिलचस्पी लेते हैं? That skill is unique to them. That path is unique to them. वो जो महारत है, वो जो मार्ग है, वो उनके लिए बिल्कुल अलग है। So today, we must read 1 Peter 4:10. तो आज हम पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 10 यहाँ पर पढ़ेंगे। Each of you should use whatever gift you have received to serve others. जिसको जो वरदान मिला है, वो एक दूसरे की सेवा में लगाए, ये कहता है। As faithful stewards of God's grace in its various forms. वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान लगाए। So we should receive the gift we have received uniquely. हमें ये जो अलग वरदान है, हमें उसे अलग तरह से उपयोग करना है। And we have to be faithful stewards to God by using it. उसका उपयोग करने के द्वारा हमें परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य भंडारी होना है। And we have to use it to serve others. और दूसरों की सेवा के लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। This is our calling. और यही तो हमारी बुलाहट है। So tell the Lord, Lord, tell me your purpose. तो आप परमेश्वर से कहिए कि हाँ प्रभु, आप मुझे अपना उद्देश्य बताइए। Let me be faithful in following you to serve. आपके पीछे आपकी सेवा करने में मैं विश्वास योग्य बना रहा हूँ। And help me to serve others. और मेरी मदद कीजिए कि मैं दूसरों की सेवा करूँ। Let us fast and pray till we receive the peace of following him. जब तक कि हम उसके पीछे चलने की वो शांति महसूस न करें, हम उपवास और प्रार्थना करते जाएं। Let us give ourselves to fulfill his purpose. आइए अपने आप को दे दें कि हम उसके उद्देश्यों को पूरा करें। And then God will open the way. और तब परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। After that, the Lord would have taken hold of our journey. और उसके बाद परमेश्वर हमारी यात्रा पर अधिकार करेंगे। Because we have committed ourselves. क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित किया। Then he lead you into the path toward your calling. और फिर वो आपके बुलाहट के आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेंगे। And in this path. और इस मार्ग में। How to know our purpose? हम अपने उद्देश्यों को कैसे जानें? Many people see visions. बहुत से लोग तो दर्शन देखते हैं। To some. The angel of God appears like to Mary. या कुछ लोगों के सामने स्वर्गदूत प्रकट होता है, जैसे कि मरियम के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। And tell them what to do. और उन्हें बताता है कि क्या करना है। For some, the servants of God will come and prophesy God's will to them. और कुछ लोगों के लिए परमेश्वर के दास आकर उन पर परमेश्वर की इच्छा की भविष्यवाणी करते हैं। Or to some, God reveals through the word of God as they're reading. और जैसे कुछ लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर उन पर ये प्रकट करते हैं। But to some, none of these things will happen. लेकिन कुछ लोगों के लिए इनमें से कुछ भी नहीं होता है। What will happen? देखिए उस समय क्या होता है। God will open the doors for their life to give them opportunities. परमेश्वर उनके जीवन में द्वार खोलते हैं कि उन्हें मौके देते जाए। And naturally they'll flow into the path of God. और स्वाभाविक रूप में वो परमेश्वर के मार्ग में बहते चले जाते हैं। And when such doors open, my friends. और जब ऐसे द्वार खुलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, make use of that opportunity. तो आप उस अवसर का उपयोग कीजिए। Though it might be something that you think is very lowly. शायद ये ऐसा कुछ होगा जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा काम है। Or though you think that is nothing to do with my calling, why is God giving me this? या आप ये सोच रहे होंगे इसका मेरी बुलाहट से कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर मुझे ये क्यों दे रहे हैं? It is the way of the Lord. ये तो परमेश्वर का मार्ग है। So let us confidently take it up. तो आइए बड़े भरोसे के साथ में हम इसे ले लें। And through that, God teaches you many things. और इसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। And he guides you in the best path. और वो सबसे अच्छे मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं। And along the way, the devil will try to distract you away from this path. और इस मार्ग में शैतान हर कोशिश करेगा कि आपको इस मार्ग से भटका दे। He'll say, "What are you doing in such a lowly position?" वो ये कहेगा कि तुम इतने निचले स्तर पर ये सब क्या कर रहे हो? Look, everybody is doing all these things to come up very fast. देखो, बाकी सब लोग ये सारे काम कर रहे हैं कि जल्दी से ऊपर आ जाए। Follow them. उनके पीछे चलो। Leave this. इन सारी बातों को छोड़ दो। It's a temptation. ये तो एक परीक्षा होती है। Or sometimes failures come into our life. या फिर हमारे जीवन में कई बार असफलताएं आती हैं. In the things that we are doing. जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं उनमें. And it makes us wonder if this is the path for us. और हम इस तरह से सोचते हैं कि क्या मेरे लिए ये मार्ग है. But sometimes God allows these failures. लेकिन कई बार परमेश्वर इस तरह की असफलता को अनुमति देते हैं। To make us examine ourselves and to learn from them. कि हम खुद को परखें, जांचें और उनसे सीखते जाएं। To make us better. कि हमें बेहतर बनाएं।
and to make us trust him. ताकि हम भरोसा करने वाले हो जाएं. Saying even if failures come, Lord, I will not leave you. और ये कहें कि प्रभु चाहे असफलताएं आए तो भी मैं आपको नहीं छोडूंगा. And he mends our relationship with him. हमारे उसके साथ के संबंध को वो और मजबूत करते हैं. So don't be worried about all these things. तो इन सारी बातों के बारे में आप चिंता मत कीजिए. It is natural in your path. ये तो आपके मार्ग में स्वाभाविक रीति से है. Just make sure you are committed to follow the Lord and fulfill his purpose. बस निश्चित करें कि आप परमेश्वर के पीछे चले और आप उसके उद्देश्यों को पूरा करते चले जाएं. And your path will be led by the Lord. और आपके मार्ग में आप प्रभु की अगुवाई में चलेंगे. Even in small things when you are faithful. और जब छोटी-छोटी बातों में आप विश्वास योग्य होते हैं. God will lift you up. परमेश्वर आपको उठाएंगे. In due time. निश्चित समय में. And make you a master over many. और वो आपको बहुतों के ऊपर स्वामी बनाएंगे. He will make you a mighty nation. वो आपको सामर्थी देश बनाएंगे. And one day God will fulfill that calling in your life. और एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में ये बुलाहट पूरी करेंगे. And use you powerfully. और आपका सामर्थ्य उपयोग करेंगे. Much more than you imagined. आपकी कल्पना से बहुत बढ़कर. To serve others and be a blessing to them. कि दूसरों की सेवा करें और आप उनके लिए आशीष हो जाए. Nations will call you such a blessing. और देश आपको ऐसी आशीष कहेंगे. God would have used you in such a great manner. परमेश्वर ऐसे महान तरीके से आपका उपयोग करेंगे. So be patient, my friend. तो मेरे दोस्तों आप धीरज रखिए. And walk in this calling, in this journey towards your calling with the Lord. तो आपकी बुलाहट की ये जो यात्रा है उसमें आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते चले जाएं. Shall we surrender ourselves even now? तो आइए अभी इस समय हम अपना इसके लिए समर्पण कर देते हैं. Loving Lord Jesus. प्रेमी प्रभु यीशु. We are little children. प्रभु हम तो आपकी छोटी संतान हैं. Lord, God, we don't know the full picture for our lives. हम अपने जीवन की पूरी तस्वीर को नहीं जानते हैं प्रभु. But please take control of our life. लेकिन कृपया आप हमारे जीवन पर नियंत्रण कीजिए. Lord, we give you full control and we say we follow you. प्रभु हम आपको पूरा नियंत्रण सौंपते हैं और कहते हैं कि हम आपके पीछे चलते हैं. Wherever you take us, Lord. आप हमें जहां पर भी ले जाएं. Whatever you want us to do. चाहे जो भी आप चाहते हैं कि हम करें. Use the gifts that you placed within us. आपने हमारे अंदर जो वरदान रखे हैं उनका उपयोग कीजिए. Let it come forth and shine, Lord. ये उभरने पाए और चमकने पाए प्रभु. Teach us many things along this path. और इस मार्ग में आप हमें बहुत सी बातें सिखाइए. And take us to our life's purpose. और हमारे जीवन के उद्देश्य में हमें ले जाइए. Yes, now, Lord, fulfill this prayer of your children. प्रभु अभी अपनी संतानों की इन प्रार्थनाओं को पूरा कीजिए. Lord, प्रभु जी, nurture them and mentor them yourself. आप खुद इनका पालन पोषण कीजिए, इनकी अगुवाई कीजिए. Teach them and train them, Lord. इन्हें सिखाइए, इन्हें ट्रेंड कीजिए. Take them towards their life's purpose. और इनके जीवन के उद्देश्य की ओर इन्हें ले जाइए. And use them powerfully, Lord. और इनका सामर्थ्य रीति से उपयोग कीजिए. Let them be a mighty ocean of blessing. और ये तो आशीषों का महासागर हो जाएं. Let people be amazed to see you using them in their life. और प्रभु आप इनके जीवन में इनका उपयोग कर रही है देखकर लोग हैरान हो जाएं. Let them enjoy every step of this journey with joy in the Lord. ये अपनी यात्रा के हर एक कदम में परमेश्वर के आनंद का अनुभव करने पाए. Let them have great peace in walking behind you, Lord. आपके पीछे चलने में ये बड़ी महान शांति प्राप्त करे प्रभु. Thank you for you are the greatest purpose in our life. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में सबसे महान उद्देश्य रखा है. We will follow you, Lord. हम आपके पीछे चलेंगे प्रभु. And we will enjoy it. और हम इसका आनंद उठाएंगे. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Yes, my friends, the Lord has taken control of your life's purpose. हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपके जीवन के उद्देश्य पर नियंत्रण किया है. He will lead you beautifully into it and use you powerfully. सुंदर रीति से वो इसका आपके लिए उपयोग करेंगे और सामर्थ्य उपयोग करेंगे. I hope that this gives you an insight into the journey towards your purpose. मैं आशा करता हूँ कि ये आपके उद्देश्य की यात्रा में आपको मार्गदर्शन करेगा. Don't be worried. आप चिंतित ना हो. Wish you all the best in it. और इसके लिए मैं आपको all the best कहता हूं. And if you have any questions you want to ask in this program, अगर आप इस प्रोग्राम में अपने कुछ सवाल इस तरह से पूछना चाहते हैं, we'll be happy to answer. तो उत्तर देकर हमें खुशी होगी. So send a video selfie just like this person did in our U-turn WhatsApp number. तो आप जैसे इन्होंने किया वैसे आप अपनी वीडियो सेल्फी हमें भेजिए हमारे U-turn WhatsApp नंबर पर. The number is on the screen, so tell us your question. अभी नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, तो आप अपना सवाल हमें भेजिए. Or you can send it in the comment section in the YouTube video you're watching it. आप जिस YouTube वीडियो को देख रहे हैं, आप इसके कमेंट सेक्शन में इसे जरूर भेज सकते हैं. All right, see you with another question next time. ठीक है, तो अगले यूटर्न एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी.